बिल्ली और बंदर की कहानी। एक गांव में दो बिल्लियां रहा करती थी। वह आपस में बहुत प्यार से रहती थी। उन्हें जो भी खाने में मिलता हमेशा बांटकर खाया करती थी। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। अब रोटी एक और बिल्ली दो। उन्होंने रोटी के दो टुकड़े तो कर लिए, पर दोनों टुकड़े बराबर है कि नहीं इसका फैसला नहीं कर पाए। उन्हें एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा टुकड़ा थोड़ा छोटा लगा। जब दोनों बिल्लियां किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकी तो उन्होंने किसी और से फैसला करवाने की सोची। जब वो फैसला करवाने के लिए किसी को ढूंढ रही थी तो उन्हें एक बंदर मिला। उन्होंने बंदर से ही फैसला करवाने की सोची। दोनों बिल्लियों ने बंदर के सामने अपनी समस्या रखी। सारी बात सुनने के बाद बंदर एक तराजू ले आया और रोटी के दोनों टुकड़ों को अलग अलग पलड़े में रख दिया। तौलते समय जो पलड़ा भारी होता बंदर उसमें से थोड़ी सी रोटी तोड़कर खा लेता था। ऐसा करते करते बंदर पूरी की पूरी रोटी खा गया और दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दो जीवों के झगड़े का फायदा अक्सर तीसरे को हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।